क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास। मोहम्मद जी आप बताइए, इस बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर किसे बिठाना? मोदी को। मोहम्मद जी क्यों लगता है आपको कि मोदी बढ़िया है? मोदी सारा काम बढ़िया कर रहा, राशन भी दे रहा और काम अच्छे कर रहा, गुंडागर्दी खत्म कर दी, और क्या चाहिए गरीब आदमी के लिए क्या चाहिए। मुजफ्फरनगर का क्या माहौल है? क्या यहाँ से बीजेपी सीट निकाल पाएगी? क्या यहाँ पर जो है वो मोदी सरकार द्वारा काम हुआ है? हाँ हो जाएगी, मोदी की सरकार होगी अब कभी। ऐसा नहीं लगता, इन बीते 10 सालों में ऐसे क्या काम रहे हैं जिससे आपको लगा है कि यही सरकार ऐसी चीज़ों पर एक्शन ले सकती है जिससे बदलाव आया है? हम यहाँ दुकान कर रहे थे, हमारे साथ में 5 बजे गुंडागर्दी हो गई थी, अब नहीं होती ना। कैसे दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं कि हम गुंडा माफिया को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं? हाँ उसके लिए तो बढ़िया कर रहे हैं, हाँ और काम है ना। अच्छा मोहम्मद जी आपको इस बात की जानकारी होगी कि अभी देश में कई आंदोलन चल रहे हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सत्ता पलट देंगे मोदी की, इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। विपक्ष भी कह रहा है कि मोदी की सत्ता पलट देंगे, हमें मालूम नहीं है जी, हम दुकानदारी कर रहे हैं खाली बस। मोहम्मद जी राहुल गांधी अखिलेश यादव का गठबंधन हो चुका, सीटों का बंटवारा भी लगभग हो ही चुका, उस पर क्या? उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, नहीं कुछ नहीं बोल। एक तरफ दो भाई हैं, एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, मतलब मोदी युग। नहीं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। नहीं, नहीं। कौन आ रहा है फिर? मोदी आओ। मोदी आ रहे हैं। सुरक्षा है? हाँ बढ़िया। क्या नाम है आपका? दिनेश। की जनता ने मूड बना लिया कि मोदी लाना? हाँ बना लिया, वो तो फिलहाल मोदी बैठेगा जी। मोदी जी क्यों? जब चेहरा है नहीं कोई सामने, अच्छा चेहरा है नहीं कोई सामने। राहुल गांधी है तो सही। अजी राहुल गांधी तो बहुत दिन का खत्म हो चुके हैं, वे नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। उनमें काम क्या करा है, वे तो वादे, उनमें बोलना तो आता नहीं, उनमें बात करने का तरीका तो है नहीं उनका। हम युवा नहीं, नहीं अब तो मोदी सरकार की छवि बढ़िया बन गई, क्योंकि हमारा जो राके हमारा जो जयंत अजीत जो जयंत था ना, उसे तो 2-3 सीट का फायदा होगा और मोदी को होगा 40-50 सीट का फायदा इससे है। मुजफ्फरनगर का मूड क्या है इस बार मोदी? अपना तो यही है बीजेपी सरकार बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। क्या नाम है? राहुल। राहुल जी क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या मोदी आ रहे हैं? मोदी जी आएंगे जी। मोदी जी क्यों लगता है? बस सब काम सही चल रहे हैं और क्या चाहिए है जी, सब कुछ ठीक है, माहौल अच्छा है और क्या चाहिए। नहीं लगता कि मोदी के अलावा दूसरी पार्टियां भी बढ़िया काम कर सकती? दूसरी में भी दम नहीं है किसी में। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अभी धीरे धीरे, पर अभी बहुत टाइम लगेगा। युवाओं को 30 लाख नौकरियां देंगे, अगर आप वहां खड़े हैं तो हम आपको पकड़ कर ले आएंगे कि बोलेंगे भैया नौकरी करने चलो हमारे साथ? जब यूपीए की सरकार थी जब कितनी थी है जी, अब पिछले 10 साल में देख लो कितनी कितनी नौकरी मिली कितनी नहीं। अगर सब कुछ सही चल रहा है, जब तो जनता वोट दे रही ना, मोदी बैठेगा अब तो। क्यों लगता है कि मोदी बढ़िया है? मोदी काम अच्छे कर रहा है इसलिए बढ़िया है जी, हमें तो अच्छा लग रहा है उसका काम। कि आप युवा हैं तो राहुल गांधी या अखिलेश यादव को मौका दिया जाए? नहीं मौका तो दिया जाए, लेकिन फिर भी मोदी सही बेस्ट है। फिर भी दोनों का गठबंधन है, वो कह रहा है इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटें ले जाने वाले हैं, मोदी सरकार के हाथ कुछ नहीं आएगा। इस मामले में कुछ कह नहीं सकते वैसे तो हम, लेकिन जहाँ तक लग रहा है मोदी आएगा फिर भी जी। राहुल गांधी 30 लाख नौकरियों का दावा कर रहे हैं, कह रहे मोदी सरकार से ज्यादा डबल काम करेंगे, आप युवा है उनके बारे में? भाई नौकरी सभी कर रहे हैं देखो जी, ऐसे तो है नहीं कोई ठल्ली बैठा, सभी कर रहे हैं, कोई प्राइवेट कर रहा कोई सरकारी कर रहा कोई कैसे भी कर रहा, काम तो कर ही रहे सभी अपना, घर बैठ कर थोड़े कोई दे देगा। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जो है वो सही काम कर रही है? हाँ सही चल रहा है, सही कर रही है। कहीं गुंडा माफिया राज? नहीं नहीं कहीं नहीं है। विकास हुआ है बीते? विकास तो हो रहा है, मुझे सही लग रहा है, बस सबको सही लग रहा है, किसी से पूछ लो आप सबको सही लग रहा है। अखिलेश यादव के बारे में क्या? अखिलेश भी सही है, ऐसी कोई बात नहीं, वे भी सही है। तो फिर अगर चुनना हो दोनों में से एक तो किसे? भाई इस टाइम तो हम कुछ बता नहीं सकते किसे चुनना, वो तो टाइम ही बताएगा। देखो हम पहले आपने कहा मोदी आना चाहिए, भाई मोदी तो लगी रहे जो उसके हिसाब लग रहा है ना मुझे। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मोदी की ही हवा है? भाई हर जगह छा रहे हैं भाई, इसलिए लग रहा है। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि मोदी सरकार को कोई और नहीं? ऐसा क्यों, उन्हें तजुर्बा हो चुका है ना, अब मोदी जी को तजुर्बा हो रहा है सरकार चलाने का, तो उस हिसाब से सही चला रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कैसा काम हुआ है? बढ़िया हो रहा है मुजफ्फरनगर में तो। मुजफ्फरनगर का माहौल क्या है, वापस मोदी लाना है या बदलाव करना? मतलब बदलाव तो नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है, अब ऐसे ही रहना चाहिए वैसे तो। मुजफ्फरनगर की जनता ने मूड बना लिया कि मोदी लाना? हाँ बना लिया वो तो फिलहाल। तमाम और भी लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात हम करेंगे, यहाँ दो युवा जो हैं वो बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार। दिलीप जी आप बताइए इस बार प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी को बना दो जी। मोदी जी को क्यों बनाना चाहते हैं, क्या माहौल है मुजफ्फरनगर? चेहरा ही नहीं है ना सामने कोई, वो तो इतना अच्छा जो है हमारे यहाँ सुख शांति है,
बढ़िया है। मोदी सरकार ही निवारण कर सकती है या किसी और को चांस देना चाहिए? हाँ जी, मोदी सरकार निवारण करेगी। तो फिर राहुल गांधी भी तो 30 लाख नौकरियों का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, उन पे भरोसा किया? वादा तो सभी करे जी, निभावे कौन? आप ये बता, आप उन्हें मौका दोगे तो शायद वो मोदी से बढ़िया काम करें? नहीं जी, देखो जो जिसका विश्वास दुनिया पर टिका हुआ है वही कामयाब है। हाँ, लगता है बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने काम किया है मुजफ्फरनगर या पूरे उत्तर प्रदेश या देश? हाँ, काम किया है, काम को कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन जो है बस थोड़ा सा जो है आदमी लेट सवेर जावा था, कहीं अपने बच्चों मजदूरी लेकर जाता था, छीन लेता यहाँ से, अब वो है नहीं। हाँ, तो जो सरकार कहती है कि हम गुंडा माफिया राज को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं वो सत्य है? है जी, क्या जी? मतलब जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि पुलिस नहीं सुन रही है या फिर चोरी चकारी ज्यादा हो रही है, तो इस तरीके की घटनाओं में अब कितनी कमी? नहीं नहीं, वैसे चोरी चकारी कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई माफिया राज नहीं है, वैसे सुख शांति है यहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल है। एक तरफ अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, दूसरी तरफ जयंत चौधरी और योगी है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है? तो हम कह सकते हैं हम इतने बड़े राजनीति में हम बढ़ते नहीं, हम तो ये है यहाँ मजदूरी करना, जा मजदूरी मिल जाए कर ले, अपना घर चले जा, नहीं तो हम तो आज तो बैठे ढाल लिया आपसे बात होगी। क्या माहौल है इस बार मुजफ्फरनगर का, जनता अब मूड बना चुकी है? बस जब तो फिलहाल तो यहाँ जो मोदी चल रही है। क्या नाम है आपका? गौरव धीमान। आप बताइए गौरव जी, इस बार प्रधानमंत्री की तख्त पर किसे बिठाना चाहते हैं? मोदी बैठेगा जी। मोदी जी क्यों? जब चेहरा ही नहीं कोई सामने, अच्छा चेहरा ही नहीं कोई सामने। राहुल गांधी है तो सही जी, राहुल गांधी तो बहुत दिन का खत्म हो चुके हैं, वे नहीं बनेंगे बिल्कुल भी, उनमें काम क्या करा है, वे तो वादे, उनमें बोलना तो आता नहीं, उनमें बात करने का तरीका तो है नहीं उनका। हम युवाओं को 30 लाख रोजगार देंगे कि आप वहाँ जा रहे होगे ना तो वहाँ से पकड़ के लेकर आएंगे कि आपको भैया कहाँ जा रहे हो, जरा नौकरी करो, ऐसा थोड़ा ही होगा। 30 लाख को देंगे, इतनी जनता बेरोजगार है, फिर उनका क्या होगा? तो मोदी सरकार में क्या है, गुंडागर्दी खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है कि 2 रुपये का मतलब था पहले आदमी सपा सरकार में तो कहना वो भी छिन जाते थे उसके, अब ये 2 रुपये का अपने घर तो जाता है सीधा। पहले क्या होता था, कभी गाँव कोई गाँव में रहता था, ड्यूटी करता था अपने शहर में, गांव में जाता था तो क्या था कि पहले गांव वालों को बुलाना पड़ता था कि भाई मैं रात को 12 बजे चले लगा वहां से गांव में से बुलाता था कि भाई मुझे ले जाओ, अब क्या है आधी रात को जब पैदल चला जाओ अपने गांव में, सुरक्षा है। तो आप तो युवा हैं, आप युवा पार्टियों पे भरोसा क्यों नहीं करते कि अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है? वे लायक तो नहीं है, इस लायक नहीं है, वे बंधन बनाकर बैठे हैं, इस बार कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं आया, उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेवकूफ बनाया है सरकार। गठबंधन कितना ही बना लियो, कोई आएगा मोदी? कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेवकूफ बनाया गया, उनके लिए कुछ काम नहीं। क्या बेवकूफ बनाया गया, हमें बताइए क्या बेवकूफ बनाया गया, कुछ भी बेवकूफ नहीं, वहाँ पर बेरोजगार तो फिर रही हो सरकार, बताओ भाई, यह पार्टी सब कुछ कर रही है, बढ़िया कर रही है काम, पर रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या लगता है कि ये बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो कोई और सॉल्व करेगा या मोदी? हमें तो इतना पता है जब बेरोजगार जो और भी है, जब लाएंगे सब मोदी, सब मोदी को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है इस बार, जैसे कि आपको पता है जयंत चौधरी बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं, तो इस बार जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से ही हॉट सीट माना गया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वहाँ बीजेपी का इम्पैक्ट कम है, तो इस बार का मूड क्या? हर जगह बीजेपी आ रही है तो यहाँ कौन दिक्कत है यहाँ आने में, हर जगह बीजेपी आ रही है, तो यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पे आ रही है। मैंने जो है वो एक ताऊ जी को रुकवाया है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम योगेंद्र है। जी ये बताइए इस बार प्रधानमंत्री किसे बना रहे? प्रधानमंत्री तो मोदी बनेगा भाई, सबको पता अब मोदी बनेगा वो तो। क्यों लगता है? वो देश में अच्छे अच्छे काम कर रहे, सभी काम बढ़िया हो रहे उनके। हाँ, और गन्ने का रेट भी मिल गया अब तो, और क्या था, गन्ने का किसान जो है देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, और गन्ने की हमारा रेट 500 का होता, पर चलो 20-20 रुपये 10-10 रुपये बढ़ रहे, वो भी काफ़ी है, बढ़ तो गया, और भाई देश में बढ़िया काम हो रहे, और राम मंदिर भी बन रहे, और सभी को रोजगार भी मिल रहे, हमारे यहाँ की सड़कें भी बढ़िया बन रही, हमारे यहाँ का पुल बता रहे बनेगा अब जा, पर यो पता नहीं बनेगा कद को यो। हाँ, 6 लेन भी पास हो रही, लोगों के घर और दुकान भी टूट रहे, अब उसका हमें मुआवजा अच्छा मिलेगा तो अच्छी बात है। आप जो है वो गन्ने के किसान हैं? हाँ, हम गन्ने के किसान हैं भाई। गन्ना मिल पर देकर आ रहे हैं कहाँ से? अब तो मैं खेत बहाने जा रहा, गन्ना बुआई चल रही है। हाँ, तो ये बताइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेन फसल है गन्ने की, तो इस बार गन्ने का किसान जो है वो क्या मांग है उसकी, और क्या लगता है संतुष्ट है किसान मोदी सरकार? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, मोदी से संतुष्ट नहीं है, अगर हमें सारा भा दे देगा तो आगे फिर वो करेगा क्या, अकेला बेचारा है भाई।
हम तो चाह रहे हमें 500 मिल जा, पर 20 रुपए मिल गए, हम सोच रहे 30 रुपए आगे फिर मिल जाएंगे। आप संतुष्ट हैं, वही दूसरी तरफ दूसरी ओर देखें तो पंजाब से आए हुए संतुष्ट नहीं है, पर वकी मानना नु पटरा के सड़कें भी हैं और भी काम बहुत हो रहे हैं, और रात भी रात में हमने खेत में जाओ आओ कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। आप कह रहे हैं आप खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब से आए हुए किसान आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं परेशान हैं। देखो एक बात है, पंजाब का मैटर अलग है, हमारा मैटर अलग है। हमारे वाले जुड़ रहे हैं, जो हमारे वाले राकेश जी कहते हैं वे इनसे जुड़ नहीं रहे अभी हैं, और जब वे जुड़ जाते हैं इनसे तो फिर वो मैटर हमारा हो जा है, तो वो नेताओं पे जो है वो जाहिर करता है। हाँ ये है, हाँ जो हमारी लड़ाई जो थी, हमारी लड़ाई तो राकेश जी के साथ चले, हम तो पंजाब वालों के साथ में हम नहीं चलते। अब ये जब दोनों मिल जाएं, अब ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं हमें नहीं पता भाई इनका। हाँ क्या लग रहा है, इन तमाम आंदोलनों से जो है वो इस बार सरकार का तख्ता हिलेगा या वापस मोदी आएगा? तख्ता भी वो तो जब जान ही नहीं दे रहे तब तक ऐसा हल जाएगा, जब दिल्ली में अंदर जान ही नहीं दे रहे उरे भाई दिल्ली हाँ, तो मोदी पर कोई फर्क नहीं पड़ने का इसका। नहीं ना कि जो समस्याएं हैं वो कोई और पार्टी भी सुलझा सकती है, मोदी पर ही भरोसा क्यों? और पार्टी तो जीरो है ना, बात तो है मोदी के आगे तो और पार्टी जीरो है। अगर उनमें दो चार कुछ बढ़ के चलता तो कुछ उम्मीद भी थी, जब वे खुद जीरो हो गए पहले ही, अब उन पर तो पैसा रहा नहीं, वे हमारा ही तो पैसा, वे भी तो हमारा ही पैसा यूज करेंगे ना, जो उनके घरों में कहीं कहीं करोड़ रुपया लिख रहे हैं तो वो भी तो देश का ही होवे, पब्लिक का ही होवे ना वो भी सारा। अब उनके जो भंडार खाली है वे फिर जो है देश को खाली करेंगे आगे, तो मोदी ज्यादा बेहतर है भाई। अब मैं चल रहा खेत में, मोदी सरकार बदलने का मूड है इस बार? नहीं नहीं मोदी छोड़ो, यात्रा का असर पड़ेगा? नहीं नहीं, अब तो मोदी सरकार की छवि बढ़िया बन गई, क्योंकि हमारा जो राकेश, हमारा जो जयंत अजीत जो जयंत था ना, उसे तो 2-3 सीट का फायदा होगा और मोदी को होगा 40-50 सीट का फायदा इससे है। मुजफ्फरनगर का मूड क्या है इस बार मोदी? मुजफ्फरनगर का जो मूड है ना वो दोनों का टक्कर का है। अगर ये मरे वाला ना जाता उसके साथ में तो संजीव वालियान को मुश्किल पड़ जाता, अगर अब कोई दिक्कत नहीं है ना। पक्ष यहाँ की मुजफ्फरनगर की जनता ने मूड बना दिया, मूड तो बन गया, जब मरे वाले सभी उनके खींचेंगे, जो किसान है जाट नहीं है किसान, सभी बिरादरियों में किसान। चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया गया? हाँ वो तो चलो, वो तो बड़े आदमी, उनके उनका संस्कार तो अच्छी बात है, कर दिया भाई, कोई हमारे गांव के बड़े आदमी हैं उनकी इज्जत कर रहा कोई, वो तो अच्छी बात है, वो इस मुद्दे से नहीं जुड़ता। जयंत चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम के सही किया या गलत? बहुत अच्छा करा, अगर जयंत चौधरी इस काम को ना करता तो वो जीरो पा जाता। वो अखिलेश के साथ या? वो मैं अखिलेश की बुराई नहीं करने का, हम अखिलेश के साथ भी थे पहले, पर इनके अंदर जब कमजोरी आ गई तो वो पूरी कौन करेगा? अब वो तो अपनी 2 सीट ले रहा, वो तो 200 फिर 20 करेगा बेचारा, अब तो इन माँ का मजबूती बना रहा, और नहीं तो फिर पार्टी उसकी खत्म हो जाती है। अब मैं चल रहा, धन्यवाद ताऊ जी आपका। यहाँ पे तमाम और भी लोग खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो देखिए ये यहाँ की मुजफ्फरनगर की जनता का मूड जो है वो हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो जनता ने बताया है कि क्यों मोदी सरकार चाहिए। इसी के साथ हम और आगे बढ़ेंगे और भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ने वाले जिलों में हम बात करेंगे कि आखिरकार वहाँ की जनता मौजूदा सरकार से संतुष्ट है या नहीं, बदलाव चाहती है या फिर एक बार मोदी सरकार आनी चाहिए। तो ये और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? गौरव नाम है। गौरव जी आप बताइए क्या माहौल है, इस बार बदलाव होना चाहिए या फिर एक बार मोदी सरकार? मोदी सरकार आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, रोडें भी अच्छे से बन रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लूटपाट खत्म हो चुकी है, और बाकी हमारा जो देखे मतलब माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। जी मैम, युवाओं के लिए क्या काम ऐसा किया है मोदी सरकार ने, क्योंकि लगातार युवाओं के लिए तो मैम कोई सरकार आ जाए, युवा मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे मैम, उसमें चाहे मैं भी हूँ चाहे और भी युवा हो, क्योंकि वैकेंसी अपने हिसाब से निकालती है सरकार। ये नहीं कहते कि अब झूठा ला रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं आप 30 लाख, कितनी नौकरी बताई आपने, 30 लाख बताई है, ऐसा कुछ करके, लेकिन कुछ नहीं है, सब मैम फ्रॉड है, सब झूठ है। गठबंधन तो कह रहा है इस बार बदलाव करके देखो मोदी से, कुछ नहीं कह रहा मैम, सब झूठ है। ठीक है, मेरा मानना तो यही है बीजेपी सरकार बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। क्या नाम है? राहुल। राहुल जी क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या मोदी? मोदी जी आएंगे जी। मोदी जी क्यों लगता है? बस सब काम सही चल रहे हैं और क्या चाहिए जी, सब कुछ ठीक है,
माहौल अच्छा है, और क्या चाहिए? नहीं लगता कि मोदी के अलावा दूसरी पार्टियां भी बढ़िया काम कर सकती? दूसरी में भी दम नहीं है किसी में, विपक्ष गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वे भी धीरे धीरे, पर अभी बहुत टाइम लगेगा। युवाओं को 30 लाख नौकरियां देंगे, अगर आप वहां खड़े हैं तो हम आपको पकड़ कर ले आएंगे कि बोलेंगे भैया नौकरी करने चलो हमारे साथ। जब यूपीए की सरकार थी जब कितनी थी है जी, अब पिछले 10 साल में देख लो कितनी कितनी नौकरी मिली कितनी नहीं। अगर सब कुछ सही चल रहा है जब ही तो जनता वोट दे रही ना है जी, इसीलिए तो मोदी जी को वोट दे रहे, इसीलिए तो मोदी जी को वोट दे रहे, सब सही चल रहा। क्यों लगता है आपको कि मोदी ही जो है वही विकास कर सकते हैं या कोई और नहीं? इच्छा शक्ति है उनके अंदर, एक अलग ही बात है बस, वो और किसी के अंदर नहीं है। हाँ। और में वो नजर नहीं, नहीं है नहीं। गठबंधन कह रहा है इस बार उखाड़ फेंकेंगे, कुछ नहीं होने का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना विकास बीजेपी के द्वारा? काफी विकास हुआ। कोई ऐसी योजना जो आपको लगता है कि ये यही सरकार ने किया है, बाकी किसने सोचा भी? योजना का तो जी हमें पता नहीं, पर हमारा यहाँ गन्ना बेल्ट है तो गन्ने के इसमें मतलब काफी सुधार हुआ, शुगर में काफी सुधार हुआ। जो गन्ने का किसान है वो खुश है? हाँ खुश है। 20 रुपए बढ़ाए, और भी बढ़ने की उम्मीद है, हो सके अगले साल और ज्यादा बढ़ जाए। वैसे गन्ने के लिए काफी काम हुआ है, एथनॉल के प्लांट लगे काफी, तो गन्ना किसानों की समस्या भी खत्म ही कर दी टोटल, अब गन्ना खूब बो, कोई दिक्कत नहीं किसी। क्या इसी रोड पे तमाम और जो लोग हमें मिलेंगे उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार। कहाँ से आए हैं आप? नहीं मैं तो मेरठ से। मेरठ से, ये भी पश्चिम उत्तर प्रदेश है। ये बताइए सर फिर मेरठ का क्या हाल है, इस बार मोदी सरकार वापस आ रही है या बदलाव? हाँ मोदी सरकार तो वापस आएगी। क्यों लगता है कि मोदी बढ़िया कर रहे हैं या कुछ और? एक्चुअली मोदी की जो पॉलिसी है वो आज तक की जितनी भी पॉलिटिक्स हैं उनसे एक अलग ही है वो, और जो है उन्होंने हमेशा सबका विकास, सबका मतलब सबके विकास के लिए इन्होंने जो है एक उस पर काम किया है। हाँ नहीं लगता कि मोदी सरकार के अलावा जो और सरकारें हैं या और पार्टियां हैं उन पर भरोसा करें तो वो डबल काम कर सकती हैं? देखिए राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी हैं। लेकिन नहीं वो एक्चुअली ठीक है वो लीडर हैं, लेकिन उनके उसमें आज तक जितने भी बार सत्ता में वो आए हैं लोग तो हमेशा जो कोई दंगा होता है कभी कहीं, जो मुजफ्फरनगर में 2012 में हाँ जब भी जब दंगा हुआ अखिलेश की सरकार थी, और फिर एक्चुअली जब भी कोई सरकार आती है तो दंगा जातिवाद ये सबसे ज़्यादा आगे आता है, जो अब वो सब खत्म होता जा रहा है। कि बीजेपी जाति धर्म पे ना सही पर धर्म को लेकर तो राजनीति करती है, नफरत फैलाई जा रही है। नहीं नहीं ऐसा है, देखो जो हमारा भारत देश है एक सांस्कृतिक देश है हमारा, अगर हम अपनी संस्कृति को बचा के नहीं रखेंगे तो हम अपने देश को ही ख़त्म कर देंगे, तो इसलिए संस्कृति तो मोदी जो है वो अपनी संस्कृति के लिए चलते हैं, संस्कृति चलते हैं धर्म से, और वो धर्म हमारा इसलिए हम धार्मिक धर्म जाति करके देश को बांट रखा है, नफरत फैला। नहीं नहीं धर्म ऐसा कुछ नहीं है हमारा, सब जितने भी हम सब यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भी लगभग एक ही सब लोग एक साथ ही रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि भाई जो मुस्लिम अलग हो गए या हिंदू अलग हो गए, अब भी नहीं हुआ था, ये तो सिर्फ एक राजनीति पॉलिटिशियनों की सब फैलाई हुई बातें हैं कि भैया। क्या लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो गन्ना बेल्ट है यहाँ पर जनता के लिए कितना काम जो है वो मोदी योगी सरकार के द्वारा? बहुत अच्छा काम किया गया है, अभी इन्होंने जो गन्ना मूल्य पर 20 रुपये वो बढ़ाया है, और एक किसान के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मतलब दूसरी तरफ ये आप भी उर्वरक है वो भी उसकी भी अच्छी सप्लाई है। दूसरी तरफ पंजाब से आए हुए किसान आंदोलन कर रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि इस बार मोदी सरकार जाने वाली है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो सरकार तो कह रही है कि भाई आप आओ और आके हमें अपनी समस्या बताओ, आप भी हम बतलाएंगे और हम आप भी बताओ और हमारी भी सुनो, बैठ कर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन वो कुछ ऐसा है ना, अब जो दूसरे विपक्ष वो हैं जो किसान लोग हैं वो मान ही नहीं रहे इस बात को। क्या लग रहा है इन तमाम आंदोलनों का या फिर CAA को लेकर जिस तरीके से विरोध हो रहा है देश में, इन तमाम चीज़ों का लोकसभा पे असर पड़ेगा जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से दावे किए जा रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि CAA की जहाँ तक CAA की बात है, CAA कोई ऐसा वो नहीं है मुद्दा कि भाई जो हम किसी को नागरिकता नहीं दे रहे हैं या हम उसको देश से बाहर कर रहे हैं, ये तो CAA एक ऐसा वो है कि नागरिकता देने के लिए वो बनाया हुआ है, और जबकि आज तक हमारे बहुत लोग हैं जैसे पश्चिम बंगाल, वो बंगाल से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली हुई है, अफगानिस्तान के आए हुए हैं, इसलिए अब CAA लागू होने से उनको कम से कम इस चीज़ का लाभ तो होगा कि वो उनको नागरिकता वो भी विरोध किया जा रहा है।
बस देखो विरोधियों की तो कह ही नहीं सकते हैं, विरोध तो सभी का होता है मैं बताऊं आपसे। बाकी कि यहाँ जो मार्केट में लोगों की जनता की राय थी कि आखिरकार वो बदलाव चाहते हैं या फिर एक बार मोदी सरकार चाहते हैं, उस पर जो है वो उन्होंने खुलकर अपनी बात सामने रखी है कि आखिरकार इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यहाँ ये जो रेलवे लाइन पर मार्केट है यहाँ की जनता क्या सोचती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर जनता से बात करेंगे कि क्या माहौल जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है।